हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह आप बहुत अच्छे। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि न्यू अरब कंट्रीज जो कि करियर चेंजेबल अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए। आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट ऑफिस पेपर में जॉब का एड भी डालते हैं, अपने ही वेबसाइट पर डालते हैं और सोशल साइट पर डालते हैं। मैं आप सबको वो सब चीज वगैरह मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कतर की जो वैकेंसी आई हुई है एशिया और हमें लॉन्ग टर्म है, कंपनी कोरियर कंपनी है और वैकेंसी का रिफरेंस नंबर BR427 शॉर्टलिस्टिंग चालू है। आप लोग जाके लीजिए, क्लाइंट इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मुंबई। और वैकेंसी इस तरह का है कि सेफ्टी ऑफिसर का है, BSc होना चाहिए, ग्रेजुएट रहते हैं यूनिवर्सिटी, निम्बूस इज मस्ट है, विदाउट निम्बूस का वही नहीं, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एज रिक्वायरमेंट सेफ्टी में और सर्टिफाइड बंदा होना चाहिए विद द एक्सपीरियंस बंदा के नाम पर। सिविल सुपरवाइजर का और सिविल इंजीनियर होता है, मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन फील्ड में, सिविल फील्ड में RCCR सब का होना चाहिए। कॉन्क्रीट से रिलेटेड होता है, फॉर्मेन का होता है, शटरिंग फॉर्मेन है, स्टील में फिक्सर होता है, मेशन का पोस्ट टेंशन का है, फॉरमेन का, शटरिंग का हो गया, टेक्नीशियंस हो गया, पावर टूल्स टेक्नीशियन का हो गया, लॉन्ग टैंक सुपरवाइजर का, इस स्टोर कीपर का हो गया, ये सब होना चाहिए। और इसका वैकेंसी आप लोग देख लीजिए और ये है गुड सैलरी है। और उसके बाद फूड एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड का बाय कंपनी और ये है बहुत ही अच्छी कंपनी, कोरियर कंपनी। जाके ये सऊदी अरब के लिए वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और चेयर पर वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी इस तरह का है, ऑयल पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सपर्ट ऑफशोर का होना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ऑपरेटर ऑफशोर होना चाहिए, मॉनिटरिंग कंट्रोल इक्विपमेंट ऑपरेटर ऑफशोर होना चाहिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन ऑफशोर होना चाहिए और सिस्टम एप्लीकेशन स्पेशलाइज्ड ऑफशोर का होना चाहिए। आप लोग अप्लाई करने से पहले JRE कोड ना डालना भूलिएगा, विदाउट JRE कोड का वो लोग आपको CV को मान्यता नहीं देगा। CV के साथ एक्सपीरियंस लेटर और एजुकेशन सर्टिफिकेट पासपोर्ट अटैच करके और वैक्सीन वाला भी डाल देने का। ये है ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आप लोग मिलिए और CV से। ये बहरीन के लिए कंपनी है, बहरीन कंपनी शिप कंपनी है, रिपेयर कंपनी है। जो उसका वैकेंसी है अगर इंटरनेशनल पे आई हुई वैकेंसी इस तरह का है, जूम इंटरव्यू है और वैकेंसी इस तरह का, साइट मैनेजर, वेल्डिंग सुपरवाइजर, प्लांटर सुपरवाइजर, लीडर सुपरवाइजर, वेल्डिंग चार्ज हैंड आता है, प्लेटर चार्ज हैंड आता है, प्लेटर स्टील फिक्सर जो फैब्रिकेटर स्ट्रक्चर वेल्डर रिगर टेक्नीशियन वर्क परमिट है और रिगर है, टेक्निकल हो गया, टेक्निकल वर्क काउंटर ऑपरेटर हो गया, हेल्पर हो गया। आप लोग क्या कीजिए, मेल को CV कीजिए और कैंडिडेट का CV एजुकेशन सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर और पासपोर्ट का कॉपी इसमें ईमेल कीजिए। हमें इंटरनेशनल का वो आपको ट्राई करेगा जैसे शॉर्टलिस्टिंग होगा विद ऑल सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है, इमीडिएटली डिपार्चर है, इंटरनेशनल कंपनी है, ऑयल एंड गैस ऑफिसर का प्रोजेक्ट है, वैकेंसी इस तरह का है। फॉरमैन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, फॉरमैन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर होना चाहिए। आप लोग ऑल कैंडिडेट क्या होता है, TBOSIE होना चाहिए, S2E होना चाहिए, फिटनेस वर्क होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। 23rd और 24th को इसका वर्किंग इंटरव्यू चल रहा है सीकर में, मुंबई और चेन्नई में। ये है एड्रेस। MD वाले में वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी वो लार्ज है, नंबर वैकेंसी बहुत ज़्यादा हुई थी, गुड सैलरी, सैलरी बहुत अच्छा है। वैकेंसी इस तरह का प्री रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी इस तरह का है, मेंटेनेंस सुपरवाइजर का 3,300 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन का 2,300 दिया हुआ है, प्लम्बर का दिया हुआ 1,500-1,300 दिया हुआ है और पेंटर का दिया हुआ 1,500-1,300 दिया हुआ है, AC टेक्नीशियन का भी दो अच्छा दिया हुआ है, आप देख लीजिए ना, मेशन का हुआ है, कारपेंटर का हुआ है, जिप्सम बोर्ड का आया हुआ है, जनरल टेक्नीशियन का हुआ है, फुल टेक्नीशियन का है, ड्राइवर का हुआ है,
लैंडस्केपिंग का है, लैंडस्केपिंग इरिगेशन टेक्नीशियन का, हाउसकीपिंग का है, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स का है, अच्छा सैलरी, गुड सैलरी। और इसमें कंडीशन क्या है कि 17 तारीख से पहले, मतलब 2017 से पहले वाला बंदा ही डाल सकता है कैंडिडेट, जो सऊदी अरब का होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेरिन का, इजिप्शियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जून से पहले का नहीं, उससे पहले आपका अप्लाई नहीं करो। जून के बाद का सीवी तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप मान्यता नहीं देगा। आप सीवी डालिए, पासपोर्ट डालिए, फोटो डालिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह डालिए। ये है ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, आप लोग एज़ सून एज़ पॉसिबल टेक्यू बेनिफिट चेंज करिए। तो पोलैंड के लिए वैकेंसी आ गई है, उसका रेफरेंस है MM416 में है और एशिया पावर में शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन ये कोरियन कंपनी है और वैकेंसी इस तरह का है, कोरियन एक्सपीरियंस चलेगा और क्यूसी इंस्पेक्टर वेल्डिंग पाइपिंग होना चाहिए, क्यूसी इंस्पेक्टर पेंटिंग कोटिंग होना चाहिए, क्यूसी इंस्पेक्टर सिविल बिल्डिंग स्ट्रक्चर से होना चाहिए, क्यूसी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक्सीलेंट सैलरी है और फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाई कंपनी। आप जाकर एशिया पावर में भी इंटरनेशनल वैकेंसी आई हुई है, कतर के लिए लॉन्ग टर्म वैकेंसी है ऑयल एंड गैस का और शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस इन मुंबई। आप लोग मिलिए जाके, और ये वैकेंसी इस तरह की है, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि मैं बताने वाला हूँ। और ये इसका फोल्डिंग सुपरिटेंडेंट है, पेंटिंग मैनेजर का है, पेंटिंग सुपरिटेंडेंट का है, रिगर सुपरवाइजर का है, इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर और रिगर फॉर्मेट का आया हुआ है। लेकिन कैंडिडेट को 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ ऑयल एंड गैस और गल्फ एक्सपीरियंस। आप लोग सीवी भेज सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर में, और ये है एड्रेस, एज सून एज पॉसिबल बेनिफिट चेंज के लिए। डायनामिक स्टाफ सर्विस वैकेंसी आई हुई सऊदी अरब के लिए, ये ऑफिशियल वैकेंसी ऑयल एंड गैस का। आप लोग बहुत अच्छा वैकेंसी और विद गुड सैलरी वैकेंसी इस तरह की, फॉर्मेट का है, टेक्नीशियन का है, फील्ड ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, प्रोसेस इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट का, इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्मेट का, चीफ रिव्यू ऑफिसर का है, मैकेनिकल फॉर्मेट का है, पावर शिप सुपरवाइजर का, मेंटेनेंस प्लानर का, मेंटेनेंस सुपरवाइजर, यूटिलिटीज शिप सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर का। और ये है ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, आप लोग सीवी डॉक्यूमेंट आप सब लेके जाइए। सऊदी अरब के लिए वैकेंसी आई, ऑफशोर कंपनी है, ऑनशोर एंड ऑफशोर कंपनी है। वैकेंसी इस तरह का है, सेफ्टी ऑफिसर में आपको होना चाहिए, बेचर होना चाहिए, निम्बोस IGC 1-3 होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम ऑफशोर प्रोजेक्ट चलेगा। और HSC सुपरवाइजर में होगा, बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, क्वालिफाइड एंड निम्बूज IGC 1-3 होना चाहिए, 7 ईयर का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 ईयर ऑफशोर प्रोजेक्ट होना चाहिए, रिगर का है। ये वैकेंसी इस तरह है, और ये है कॉन्टेक्ट नंबर ऑफिस का है, आप लोग जाके मिलिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, टेक योर बेनिफिट चेंज होती है।